सो हम वापस आते हैं अपने अहम सवाल पे कि कैंसर में दर्द होता क्यों है। ये दर्द कैंसर की वजह से आ सकता है, उसकी स्प्रेड की वजह से आ सकता है, क्योंकि कैंसर जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो वो आसपास के एरिया में या दूर के बॉडी पार्ट्स में भी जा सकता है, जैसे कि हड्डी के अंदर। जब कैंसर ग्रो करता है तो वो टिश्यू को डैमेज करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, अनयूजुअल स्ट्रेचिंग होती है, इरिटेशन होती है, और ये सब दर्द का कारण बन सकते हैं। जैसे कि अगर एक पैनक्रियाटिक कैंसर की अगर हम बात करें, जब वो ग्रो करता है, स्ट्रेच करता है, तो वो डायफ्राम यानी कि सांस लेने की जो एक मेन मसल है उसको इरिटेट कर सकता है, और उसकी वजह से कंधे में दर्द आ सकता है उस तरफ को। उसके अलावा अगर हम कैंसर को अलग भी रखते हैं तो जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेट फूलना या कॉन्स्टिपेशन होना या किसी और डक्ट्स का ब्लॉकेज होना या और जगहों पे क्लॉट्स बनना, इन सब की वजह से भी दर्द आ सकता है। उसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इन सब की वजह से भी दर्द आ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम शरीर के एक हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए और हिस्सों पे ज़्यादा दबाव डालते हैं। मान लीजिए मेरी पाँव में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मुझे एक स्टिक यूज़ करनी पड़ रही है, तो मेरे शोल्डर पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी वजह से मेरे कंधे में दर्द आ सकता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर के मरीज़ को जो दर्द आए वो कैंसर की वजह से ही आए, और अलग से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, यानी कि कोइंसिडेंटल प्रॉब्लम्स जो एक जनरल पॉपुलेशन में भी मिलती हैं, इन सब की वजह से भी दर्द आ सकता है। तो ज़रूरी है कि जब हम ट्रीटमेंट की प्लानिंग करें तो हम ये आइडेंटिफाई करें किस तरह का दर्द है और क्यों आ रहा है, उसके बेसिस पे ही हम ट्रीटमेंट आगे की डिसाइड करते हैं। और एक और अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कैंसर की वजह से भी दर्द आ रहा है तो उसमें एक बैकग्राउंड पेन हो सकता है और एक ब्रेक थ्रू पेन हो सकता है। ब्रेक थ्रू पेन से मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करें तो खाना खाने के बाद जो दर्द आता है, तो ये प्रोवोक्ड या अनप्रोवोक्ड फैक्टर से जब ब्रेक थ्रू पेन होता है तो इसके लिए भी हमें एक प्लान हमारे पास होना चाहिए, ताकि जब ये हमें परेशान करें तो हमें पता हो कि हमें क्या करना चाहिए।